नशा मुक्त अभियान का संकल्प लेके चल रहे केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर जी आज सुल्तानपुर में नशा अभियान की संगोष्ठी में भाग लेने के लिए सुल्तानपुर पहुंचे हैं और इस समय लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पे मौजूद हैं। यहाँ पर इनके स्वागत के लिए भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता और यहाँ पर विधायक भी मौजूद है। मैं आज अपने केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर जी से जानना चाहूंगा कि देश के युवाओं को नशे से कैसे मुक्ति दिलाएंगे और क्या रणनीति है उनकी। पूरे देश में एक साजिश के तहत अंतर्राष्ट्रीय साजिश है हिंदुस्तान के नौजवान पीढ़ी को नशे में धकेल करके उनकी जिंदगी को बर्बाद करें। इसलिए अभी 31 दिसंबर को जब नया साल शुरू होने आता है, बड़े पैमाने पर जो ड्रग के पेडलर हैं नशे का मुक्त में ऑफर करते हैं और नई पीढ़ी के लोगों को नशे में डालते हैं। इसलिए नशे की वजह से हर साल करीब 20 लाख लोग, हर एक घंटे में कैंसर से 159 लोग खत्म होते हैं, यानी केवल कैंसर से पूरे देश में करीब 14 लाख लोग खत्म हो जाते हैं प्रत्येक साल में, जिसमें 80% लोग केवल तम्बाकू का सेवन, नशे का सेवन करने की वजह से कैंसर से खत्म होते हैं। उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे देश में नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का जो है, इस आंदोलन को हम शुरू किए हैं। अभी विगत 14 नवम्बर को बाल दिवस के अवसर पर करीब 5.5 करोड़ लोगों ने पूरे देश में नशा न करने का संकल्प लिया है। नए वर्ष 2023 को नशा मुक्त वर्ष बनाना है और इसके लिए अभी 31 दिसंबर, 1 जनवरी और 2 जनवरी को पूरे देश में करीब 10 करोड़ लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे और हर महीने एक व्यक्ति को नशा न करने का संकल्प कराएंगे भी अपने साथ जोड़ेंगे। उसी परिप्रेक्ष्य में आज सुल्तानपुर में आया हूँ। यहाँ पर पप्पू जो लंबुआ के ब्लॉक प्रमुख हैं उनके नेतृत्व में विधायक जी हमारे हैं, शशांक जी हैं, प्रकाश जी हैं, इन लोगों के नेतृत्व में, जरावर जी इनके नेतृत्व में यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर लोग नशा न करने का संकल्प लेंगे, सुल्तानपुर को नशा मुक्त सुल्तानपुर बनाएंगे और आने वाले समय में जो 2023 है पूरे सुल्तानपुर जनपद को नशा मुक्त बनाना है, यानी ड्रग्स फ्री, अल्कोहल फ्री, स्मोकिंग, तो शराब ना पिए, किसी प्रकार की धुएं की चीज़ें, तम्बाकू की चीज़ें ना खाए पिए, ड्रग्स ना लें, इस तरह का एक नशा मुक्त अभियान समाज आंदोलन कौशल का हिंदुस्तान में नशा छोड़े उसके तहत ये कार्यक्रम है। क्योंकि मेरा खुद का बेटा नशे की वजह से ख़त्म हो गया था, इसलिए पूरे देश को हम नशे से बचाना चाहते हैं और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से और आपसे भी